गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया। वैसे तो आज रखड़ी है शाम के टाइम, रात 9 से लेकर मेरे से 10 बजे तक, और हमारी एक बहना की रखड़ी आ भी चुकी है, हम सोए रहेंगे और मम्मी मंदिर भी जाए। और मम्मी जी क्या हाल चाल, और कैसा लगा आज कल घूम के आपको? अच्छा लगा। और आज कैसा लग रहा है? आज तो घर पे ही है, आज बिल्कुल फ्री है, लेकिन आज मेरे को कुछ काम है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, गाइस मम्मी की बात भी सुन लो, नहीं तो आप लोग बोलते हो मम्मी की बात को बीच में सुनने नहीं देता। तो हम आपकी बातों को और अपनी गलतियों को सुनते हैं, समझते हैं और उसको चेंज करने की कोशिश भी करते हैं। और आजकल जो मौसम है यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रखे है, अब पहले वाले वो गर्मी नहीं रही यहाँ पे। और स्पेशली इस चीज़ का पता कैसे पता चलता है मेरे बालों से, क्योंकि पहले बाल मेरे ऐसे नीचे को चिपक जाते थे, अच्छे नहीं होते, लेकिन आजकल बौंसी रहते हैं, जो कि मेरे को अच्छा लगता है और सही है। तो फिलहाल अभी खाना वगैरह खाते हैं, आज मेरे को बहुत से काम है, मेरे को अपने LIC ऑफिस जाना है, गाड़ी की सर्विस करवानी है और एक दो काम और है, और लैपटॉप भी लेके जाना है मेरे को क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है। और खाना खाते हैं, तो फिलहाल खाने में नमक डाल दो मम्मी, घरेलू नमक। और यहाँ पे ना विंडो खोली हुई ना, वेंटिलेशन और ज़्यादा अच्छी होगी। बस थोड़ा सा काम है। सब्जी ले आप, सब्जी वाला आ गया? अच्छा, तो गाइस खाना खाते हैं। तो खाने में आज पनीर की भुर्जी और साथ में है हमारे पास दही, हमारा घरेलू नमक और चपाती। और मम्मी सब्जी भी लेके आए, सब्जी में क्या लेके आए हैं? शिमला मिर्च। मम्मी ये कैसे मिली शिमला मिर्च? सौ रुपए किलो। कितने किलो लाए? आधा किलो आलू। अच्छा ये सेम, ये कितने मिले? अच्छा, टमाटर भी है? टमाटर कैसे मिल रहे हैं आजकल? अच्छा चलो। अच्छा, वो उठ के ना फटाफट से डस्टिंग वगैरह भी की और बढ़िया लग रहा है। बेडशीट भी चेंज कर दी, इस रूम की भी चेंज कर दी क्योंकि कल त्यौहार है, सब आएंगे। मैंने कहा जितना काम खत्म कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, अच्छे से टेबल वगैरह अच्छे से सजा दिया, सारी मिट्टी धूल मिट्टी खत्म कर दी, जाले खत्म कर दिए, इधर उधर हल्के फुल्के होते हैं क्योंकि जैसे मेरे को दिखाई देता मैं फटाफट से झाड़ू लेकर लग जाता हूँ, क्योंकि यार गंदगी अच्छी नहीं लगती घर में, साफ सुथरा होना चाहिए। और स्वच्छ रहो, स्वच्छ खाओ और स्वच्छ सोचो और स्वच्छ बोलो, क्योंकि हम हैं स्वच्छ भारत के स्वच्छ बंदे। और गाइस एक दो चीज़ें मैं अभी दिमाग में आई कि मेरे को कहीं से इधर उधर से देखने को मिल रहा है कि मेरे लिए फेक क्या हो रहा है, फेक आइडिया बना के इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से, और उनको सीरियस मत लीजिए, इधर उधर मेरे को मेरी इमेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों की कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, लेकिन कुछ मेरे नॉन बंदे वो मेरे को भेज रहे कि ये क्या हो रहा है, वो सच समझ बैठे हैं वे फेक आइडिया। इसके लिए बहुत सी ऑडियंस हमारी ब्रेन यूज़ कर रही है, बहुत अच्छा ब्रेन है उनके पास, क्योंकि स्वच्छ सोचोगे स्वच्छ आएगा और अच्छे अच्छे थॉट आएंगे। जो नेगेटिव थॉट वाला इंसान होता है वो नेगेटिव ही सोचेगा और कुछ नहीं आएगा, उसको फेक चीज़ भी ना रियलिटी लगेगी उसी के लिए, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता। और बात पता क्या थी, फेक आइडिया बना के ऐसी बातें करनी किसी के साथ, मतलब कि जिन्होंने मेरे को करना है कुछ भी, कोई भी ABC बंदा कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को ही नहीं पता इसके पीछे कौन है कौन नहीं, मेरे नाम से फेक आइडिया बना के फेक चैट कर रहे हैं, फेक वीडियो कॉल कर रहे हैं, और बाद में उसको कहीं पे डाल देना है और दिखाना है उस चीज़ को, कर देना कि हाँ भाई ये बंदा कर रहा है, ताकि लोगों के दिमाग को गुमराह किया जा सके। अंकुश को इस बात का डर नहीं लगता क्योंकि वो अपनी जगह पर सही है और साफ़ सुथरा चला है, इन चीज़ों का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरी ऑडियंस के ऊपर फ़र्क पड़ता, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, समझदार है और ऐसी हरकतों को सब समझती है। करती नहीं है ना करते हैं हम, लेकिन इंसान किस लेवल तक जा सकता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, वो सब चीज़ों को समझते हैं कि फेक आइडिया बना के किसी के साथ फेक तरीके से बात करके और लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना और उसके नाम की फेक आईडी बना के कि हाँ भाई ये बंदा ऐसे करो, बाद में उसको पब्लिश करना दिखाने के लिए लोगों के सामने, किसी की इमेज को स्पॉइल करने के लिए। हम कुछ को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये वर्ड्स मेरे यहाँ पे बोलने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं सच समझ बैठते हैं कि ऑडियंस को आप एक बार दो बार तीन बार गुमराह कर लोगे, सदा नहीं करोगे गुमराह। और होप मेरी बातों को आप समझ ही चुके होंगे, और इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, जब इंसान के पास कुछ दिखाने के लिए बताने के लिए कुछ नहीं होता ना, और उसको पराजित करने के बाद भी वो खुद पराजित होता जाता है, लेकिन उस बंदे की इमेज फिर बढ़िया होती जाती है क्योंकि उस बंदे ने इमेज पहले ही बिल्ड अच्छी की हुई है, तो जिसकी वजह से नहीं हो पाता और अपनी ट्रैक पर सही चला होता है। तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो ऊपर से लेके नीचे तक,
फेक चीज़ें करके, फेक मैसेज करके, फेक आइडिया बना के, आपस में चैट करके, लड़की बन के, किसी की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके, गलत तरीके से एडिट करके दिखाने की कोशिश कर लो, सच को आँच नहीं होती। और आपकी इन हरकतों से जो भी कर रहा है ए बी सी जो भी बंदा है, और मेरे को तो एक फ़ोटो वाला तो कन्फर्म है मेरे को क्या है क्या नहीं, और बाकी जो भी फेक आइडिया वगैरह बना के जो भी कर रहा है भाई, उससे आप लोगों की ही इमेज स्पॉइल होती है, होते जाते हो। और बस ये था, फिलहाल खाना खाते हैं, मेरी बातें समझ आ गई होगी। और कहाँ तक गिरोगे, कितना नीचा पन दिखाओगे आप लोग जो भी कर रहा है ये हरकतें, और जो ये कर रही है इसको तो मैं पहले ही जानता था इसने कैसे कैसे मेरे साथ चीट किया था और कैसे बातों को गुमराह करके सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट किया था। और अभी फिर मीठी भी हुई बीच में, हम तो उस वक्त ही समझ गए कि भाई कि आप विश्वास लायक नहीं हो। उसके बाद जो आपकी हरकतें हैं, आप लोगों को ना दूसरों को जानवरों का नाम देते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो, उससे आप लोगों की मेंटेलिटी पता लगती है। जिस दिन हमने दिया ना, आप ना रहा नहीं जाएगा, आप तड़पोगे, ये क्या बोल दिया अंकुश ने। रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए ना वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करते हैं हम, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए वुमेन काम वो काबिल भी होनी चाहिए, वो डिज़र्व नहीं करते आप, या फिर आपकी मैंटेलिटी ऐसी है कि किसी ने कुछ भेजा अगर आपको तो आपने उस तरीके में दिमाग लगाओ, बहुत फेक काम होते हैं दुनिया में। रियलिटी और अपना फेक का पता चल जाता है, जो चीज़ें रियल होती है अंकुश एक्सेप्ट करता है, जो चीज़ें फेक होती है वो फेक होती है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। छाती ठोक के तुम्हारे ये चिंदी काम है ना, इन्हीं काम के लायक रहोगे, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे आप। सर्विस करवानी थी जो कि मैं नहीं करवा पाया क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिली, सुबह कह रहे कि सुबह करवा लेना, सुबह रखड़ी हुई है और आज शाम को भी रखड़ी है ना। और मम्मी आज कंचन आ जाएगी अभी, हाँ, शाम के टाइम अभी आएंगे वो, और इसी खुशी में घर में बन रहा है शगुन वाली दाल क्योंकि रखड़ी है ना। तो ये देखिए कैसी गड़का लग रहा है इस पे, बहुत मज़ेदार लगती है मेरे को। और मम्मी कह रहे कि आते हुए ना बाजार से एक मिक्स वेज या कुछ पनीर वाली सब्जी ले आना, पनीर नहीं, लेकिन एक्चुअली मेरे को कुछ काम है, मैं पता नहीं लेट हो सकता हूँ, अगर टाइमली आ गया तो मैं ले आऊँगा। तो फिलहाल इधर तड़का लगने की तैयारी हो रही है जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरे को जाना है। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरा ये ब्लॉग नहीं बन पाएगा क्योंकि आज छोड़ देता हूँ क्योंकि कुछ जरूरी काम है मेरे को करने, मम्मी जा रहा है तुम्हें, है ना। और बस अभी थोड़ी देर पहले ना मैं सो के उठा, मेरे को ये था कि मैं शॉवर ले लूँ, लेकिन मेरे को किसी का फ़ोन आया तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और कंचन भी आ जाएगी, रखड़ी सुबह है, और मम्मी बोल रहे कि पंकज जी जो भी आएंगे उनका कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, लेकिन काम पहले ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही ज़रूरी काम है, टाइम आने पर हम आपको बताएंगे क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। ठीक है मम्मी, आया मैं जाके उधर पैक करा के रखा देना सब्जी, तो फिर वैसे कर लेंगे टाइम पूजा कर रहे। अच्छा मम्मी मेरे को एक बात है याद, कंचन कब तक आएगी? रात के 10 बजे, तब तक तो शायद मैं आ ही जाऊंगा, सब्जी ले आऊंगा ना, उनकी फेवरेट है बटर टिक्का मसाला, पता कोई नहीं है रोक नहीं है। अच्छा नहीं, उससे पहले आ जाऊंगा, अभी तो कितना आई थिंक 8 बजे कर पहुंचो, अभी क्या आधा घंटा हो गया, फिर उसके बाद मैं फैमिली के साथ बैठा, मैं कंचन मम्मी और पंकज जी और हमारे अनवित जी। और कैसे, बढ़िया सो रहे हो अनवित? कैसे, मेरे चार्जर दे दो मेरे को, बढ़िया मेरे को दिखा दो हाथ, आपने राखी खा मैं लिए, इतनी सुंदर सुंदर राखी ये किसने डाली आपको, चांदी की राखी? अच्छा बड़ी मम्मा, बाय गुड नाइट, तुम्हारे टॉयज के साथ सोऊंगा मैं आज। तो गाइस हमने राखी नहीं सेलिब्रेट की, सुबह मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा, पहले ही आ गई मम्मी की इंस्ट्रक्शंस मेरे को, सुबह 6 बजे उठ जाइयो, यार सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, चलो बाय, ठीक है ओके भाई, हाँ जल्दी उठ जाऊंगा। तो गाइस क्योंकि हम सुबह करेंगे सेलिब्रेट, और फिलहाल सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि नींद आ रखी है धमाकेदार। गाइस हाँ, जाने से पहले एक जरूरी अपडेट, जिसके लिए मैंने ये सुबह वीडियो बनाया था कि मेरे लिए फेक पिक्चर्स के ऊपर एडिटिंग की जाती है, मेरी फेक आईडीज बना के फेक तरीके से फेक चैनल बना के बातचीत की जाती है, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा संभल के, आप लोगों के ऑब्जेक्शन नहीं आए, एक दो के आए थे तो मैंने उन चीज़ों को हैंडल किया कि ऐसा है कि आप कंफर्म हो गए मेरा ही है, क्योंकि मेरी जो जेन्युइन आईडी है वह अंकुश अग्निहोत्री 001, कभी भी कोई आईडी बनेगी वो इस नेम से पूरी नहीं बनेगी, अगर आपको बताया जाएगा डक के बताया जाएगा
आप आधे स्पेलिंग देखोगे आप ही है। और डीपी लगाएंगे, अगर फेक आईडी है तो डीपी कोई भी किसी की भी लगा सकता है, मेरी आईडी लगा के बना देगा। तो अंकुश अग्निहोत्री की आईडी नहीं है, तो फेक चीज़ों से बचिए और ये फेक लोगों से भी, क्योंकि इनका काम है फेक तरीके से फेक करके रखा ना, क्योंकि ये जो काम करते हैं ना ये खुद बहुत बड़े फेक हैं और जो दिखाते हैं। तो चलिए इतना ही था, और मेरे पास बहुत से टॉयस हैं, रात को मैं खेलूँगा उठ कर इनसे, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। होप आप लोगों को बढ़िया लगेगा सब कुछ आने वाले टाइम में, और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और फेक चीज़ों से बचे रहिए। और क्योंकि कभी भी कोई चीज़ आती है, हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है। ये जो कुछ लोटे होते हैं या जिनका माइंड इतना नहीं होता, वही इन चीज़ों में गुमराह हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल तरीके से पूरा सोचिए समझिए और मैनिपुलेटिव स्टोरीज से बचिए। बस यही था कि ये फेक तरीके से फेक काम किए जा रहे हैं मेरे को, मेरी इमेज को दिखाने के लिए गलत, लेकिन उस चीज़ से वो बंदा खुद तो एक्सपोज होता जा रहा है। और बाकी सब बढ़िया है, मैं दिमाग को ले, तब तक के लिए आप सभी लोगों को फिर से बाय बाय।